नमस्कार। धान आपके, हमारे और पूरे देश के लिए संपन्नता का प्रतीक है। जी हाँ, ये हमारे देश की 90% जनसंख्या के भोजन का आधार है। इसलिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या के बढ़ते दबाव ने हमें सीमित भूभाग पर ही धान के अधिक उत्पादन की ओर प्रेरित किया है, और इसके लिए वैज्ञानिक खेती को अपनाने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब किसान भाइयों, आपको वैज्ञानिक खेती के नाम से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अपनाने के लिए अधिक पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से लगातार खेती करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे, बस हम आपके विधियों में थोड़ा बदलाव लाएंगे। जैसे कि वैज्ञानिक खेती के तहत हम आपको प्रभेदों के चयन, सिंचाई व्यवस्था, खरपतवार प्रबंधन, कीट रोग प्रबंधन इत्यादि पर पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वैज्ञानिक खेती के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं धान की उन्नत किस्मों के बारे में। तुरंता धान की ये बौने किस्म 75 से 80 दिनों में तैयार होकर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। इस किस्म के बिचड़े को तैयार करने के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नर्सरी में बीजों की बुआई करनी चाहिए। ध्यान रहे, बिचड़ा के लिए बीज गिराने का समय 25 जून से 10 जुलाई के बीच ही होता है, और मुख्य खेत में रोपाई के लिए 20 से 22 दिनों का बिचड़ा अच्छा माना जाता है। प्रभात 95 से 100 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। इस किस्म में सूखा सहन करने की क्षमता होती है। बिचड़ा तैयार करने के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज देना चाहिए। रोपाई के समय धान के पौधों को 15x15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लगाना चाहिए। अगली किस्म है सहभागी। 115 से 120 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। इस किस्म का बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और इसके बीज गिराने का समय 25 जून से 10 जुलाई तक होता है। आपको बता दें कि इस प्रजाति की रोपाई 15x15 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए।